नमस्कार दोस्तों, टेक्नोकैट ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सॉलिड वर्क्स पे एक वीडियो लेकर आया हूँ जो असेंबली से रिलेटेड है। दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ जो असेंबली के रिगार्डिंग, जिसमें केवल मैं इंट्रोडक्शन बताया था सॉलिड वर्क्स, असेंबली इन सॉलिड वर्क्स। तो दोस्तों, उस पर एक मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और उसको अलग अलग बनाकर एक साथ असेंबल कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जो असेंबल का हर एक पार्ट्स, हर एक टूल्स यूज आ सके। तो दोस्तों, चलते हैं सॉलिडवर्क्स फाइल में जाकर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें पार्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि सॉलिडवर्क्स में कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले आपको पार्ट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों स्मॉल पार्ट्स सॉलिडवर्क्स के पार्ट कैटेगरी में ही बनती है। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले कोई एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे। अगर दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस हो गया है तो प्लेन सेलेक्ट करना उतना ज़रूरी नहीं है, बट अभी अगर आप फ्रेशर हैं, अभी अभी सॉलिड वर्क्स में मतलब सीखना स्टार्ट किए हैं, तो उसके लिए आपको प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप छोटी छोटी बातों को पकड़ कर लेकर चलते हैं तो आपको आगे चलकर बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट किया हूँ, कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है मैं उसके बारे में भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट है हैमर, जो 1 2 3 4 5 पांच अलग अलग पार्ट को असेंबल किया गया है। तो दोस्तों, चलते हैं, पहला पार्ट बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये दो ऑब्जेक्ट सेम है, बॉटम टॉप एंड बॉटम साइड, टॉप एंड बॉटम साइड एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको कॉपी करने के बाद दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तीसरा, ये जो दोनों के मिड में है, चौथे नंबर का ये, पाँचवा ये रहा, छठा ये पूरा। तो चलते हैं दोस्तों, सब एक नंबर ऑब्जेक्ट को बनाता हूँ। तो दोस्तों, एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, इसका डायमेंशन 100 mm, एंड इसका भी डायमेंशन 100 mm ले सकते हैं। उसके बाद एक्सट्रूड बॉस का यूज करके यहाँ पे इसको एक्सट्रूड करेंगे 12 mm। दोस्तों एक बात और मैं बताने जा रहा हूँ, आप यहाँ पे दो तरीका से ये क्या कहते हैं फिलेट कर सकते हैं। पहला, एक तो आप 3D में जाकर, एक 2D में ही। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं 2D में बनाता तो एक साथ ही कंप्लीट बन जाती, बट यहाँ पे मैं अलग अलग 3D में बना रहा हूँ हर एक एज को सिलेक्ट करके। तो पहला जो एज लेना है मुझे, फिलेट टाइप, ये पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे, एज, सेकेंड एज एंड थर्ड एज, लास्ट फोर्थ, फोर्थ एज। तो दोस्तों, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया विथ फिलेट के साथ, जिसका रेडियस 10 mm है। दोस्तों, इस पे चैम्फर करना है, जिसका मैं डायमेंशन 1 mm एंड रेडियस 45 mm। तो दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसको सेव कर देता हूँ। हेमर, हेमर के नाम से ये पार्ट वन हुआ। दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट बन कंप्लीट हो गया। अब दूसरी ऑब्जेक्ट, ये मिडिल वाले, मिडिल के लिए
ATM यहीं से फिलेट कर दे रहा हूँ 10 mm एंड ऑफसेट 5 mm रिवर्स में। डायरेक्ट इसको फीचर कर सकते हैं, सॉरी फीचर फीचर में जाकर एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड में दोस्तों एक मैं आपको छोटी बात, मतलब छोटे छोटे बात को मैंने बोल चुका हूँ कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। वहां पे एक छोटी बात मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों सिलेक्ट काउंटर, दो ऑब्जेक्ट सेम बनाया हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो दो पार्ट है ये कंप्लीट एक लाइन है, इसको डिलीट कर दूँ। नेक्स्ट एक्सट्रूड में जाकर ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट ले लिया। इसकी डायमेंशन 80 mm दे दिया हूँ। ATMM 120 mm अगेन इसको सेव कर लेना है दोस्तों पार्ट टू के नाम से। नाउ थर्ड पार्ट, ये जो हेमर का हैंडल होता है उसको सपोर्ट के लिए एक ऑब्जेक्ट है, उसको बनाने के लिए यहाँ पे स्लॉट का यूज करेंगे। दोस्तों स्ट्रेट स्लॉट होती है, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट, 3 पॉइंट अर्क स्लॉट, सेंटर पॉइंट अर्क स्लॉट। तो यहाँ पे दोस्तों मैं या तो सेंटर पॉइंट ले लूँ या स्ट्रेट पॉइंट लूँ। सेंटर पॉइंट लेने पे क्या है फ़ायदा, आप सेंटर पे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, और मतलब दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं डायरेक्टली। इसका डायमेंशन आप 20 mm, इसकी डायमेंशन 20 mm। दोस्तों फिर इसको ऑफसेट कर देंगे, ऑफसेट रिवर्स में 5 mm। यहाँ से आप डायमेंशन भी देख सकते हैं 15 mm पे है। इसको एक्सट्रूड 80 mm पे ले लेता हूँ। नाउ दोस्तों इसको 10 mm पे, सॉरी 5 mm पे 45 डिग्री पे चेम्फर कर देना है। दोस्तों इसका 15 mm रेडियस दे देते हैं और डायमेंशन 40 mm पे एक्सट्रूड कर दूंगा। एक्सट्रूड कट यहां लेना है इसको, क्योंकि होल करना है। तो दोस्तों ये रहा, जो तीसरा ऑब्जेक्ट भी मेरा तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इसको पार्ट 3 के नाम से सेव कर दूंगा। ये ऑटोमेटिक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के नाम से जितने नंबर ऑफ
मतलब ऑब्जेक्ट बढ़ेगी, जितने ऑब्जेक्ट रहेगी उसी के अकॉर्डिंग पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर के नाम से सेव होगा। अगर आप उसमें खुद का नेम एक देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, या तो पार्ट वन पार्ट टू के अनुसार ले सकते हैं। अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है जिसका जो स्मॉल पार्ट्स, जो पार्ट्स अलग अलग होती है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 3 से 4, 5 ऑब्जेक्ट है मैक्सिमम, तो यहाँ पे 1, 2, 3 करके आप नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पार्ट 3 के नाम से इसको सेव कर दिया हूँ। नाउ चौथा ऑब्जेक्ट मेरा चौथा ऑब्जेक्ट इसका डायमीटर 15 mm और एक्सट्रूड कर देता हूँ अप्रोक्स 30 mm। तो दोस्तों इसको पार्ट 4 के नाम से सेव कर देता हूँ, पार्ट 4 के नाम से। एंड लास्ट जो मेरा फाइनल है, फाइनल ऑब्जेक्ट जो ये हैंडल, इसको बनाने के लिए दोस्तों चलते हैं। अब अगेन एक प्लेन सेलेक्ट करना है और स्लॉट का यूज करेंगे, सेंटर पॉइंट स्लॉट इसमें। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ऑटो कैड में आपको ऑर्थो मोड का यूज करना पड़ता है, बट यहाँ पे ऑर्थो मोड का यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट की बहुत कम ही यूज हो रही है। मोस्टली यूज हो रही है आपको मेन्यू बार में जाके सेलेक्ट करना पड़ता है हर एक पॉइंट को। इसमें क्या होता है कि अगर आप ऑर्थो मोड के तरह यूज करना चाहते हैं तो देखिए, मैं जैसे जैसे लाइन को घुमाऊँ, ये टॉप लाइन में टॉप टू बटन रहेगा, मतलब वर्टिकल, आपको येलो कलर में एक वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका लाइन वर्टिकल है, कंप्लीट, जो फुल्ली डिफाइन है वर्टिकल। देखिए जैसे मैं इसको एंगल के तरफ रोटेट करूँगा, मतलब कुछ एंगल कम करूँगा, तो ये वर्टिकल लाइन नहीं शो कर रहा। अब हॉरिजॉन्टल में देखिए, हॉरिजॉन्टल में आते ही वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो किया येलो कलर में। तो दोस्तों इससे मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो लाइनिंग है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में ये कंप्लीट डिफाइन है, फुल्ली डिफाइन है। तो दोस्तों ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन पे एक सेंटर पॉइंट पे पहले चूज पिक करना है, फिर अगेन सेंटर के आउटसाइड में जितना भी आपका डायमेंशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके पिक करके और ड्रैग करना है माउस को। ये मेरा बन कंप्लीट बन गया है एक स्लॉट। इसका डायमेंशन देंगे 20 mm एंड इसका डायमेंशन 20 mm। तो दोस्तों सॉलिड वर्क्स में एक ये फायदा है कि आप अगर पार्ट में डायमेंशन आगे पीछे, मतलब या तो बहुत ज़्यादा या तो बहुत कम, मतलब मेजरमेंट में गलती हो गया हो, तो आप असेंबल में भी एडिट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इसमें एक पॉइंट दे दिया है। पॉइंट क्या है, इसका एक अच्छा बेनिफिट है। दोस्तों इसको ऑफसेट कर दे रहा हूँ, रिवर्स 8 mm, और इसको एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ, एक्सट्रूड अप्रोक्स 200 mm। दोस्तों इसको फिलेट चैम्फर के लिए 2 mm चैम्फर दे देते हैं। ये पार्ट 5 हो गया। दोस्तों ये तो मैं अभी जितना भी काम किया हूं ये पार्ट में है। अब इसको असेंबल करने के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूं, असेंबल के लिए न्यू में जाकर असेंबली पे सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों ये अभी मैं इसको
क्लोज कर देता हूँ, कुछ बता दे रहा हूँ दोस्तों। ये असेंबल है, असेंबल पे क्लिक करने पे आपको वेगिन असेंबली एक बॉक्स ओपन होगी, जिसमें ब्राउज पे क्लिक करके आप जो ऑब्जेक्ट बनाया है पार्ट में वहाँ से ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं। लेआउट के बारे में, लेआउट अगर एडिट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, स्केच तो मोस्टली काम करना है मुझे असेंबली पे। ब्राउज पे क्लिक करूँगा तो ये दोस्तों मेरा पार्ट बना हुआ अवेलेबल है। तो इसमें से आप कोई सा भी पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, एक साथ भी पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग भी पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड होता है। क्योंकि अगर आप बढ़िया से एक पार्ट को असेंबल कर लिए, एक ऑब्जेक्ट असेंबली कर लिए फुल्ली, तो आप जब आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा असेंबली में, तो आप कंप्लीट किसी भी तरीके से असेंबल कर सकते हैं। दोस्तों मैं पार्ट टू को सेलेक्ट करता हूँ, इसको इंटर करने के बाद अगेन मैं इंसर्ट कंपोनेंट में जाऊँगा, पार्ट वन को सेलेक्ट करूँगा। पार्ट वन आ गया, तो दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिल रहा है फेस टू फेस। मोस्टली यहाँ पे जो असेंबल होगी वो फेस टू फेस ही असेंबल होगा। तो दोस्तों ये जो टॉप साइड में है उसका बॉटम फेस, एंड जो मिडिल में बॉटम साइड में है उसका टॉप फेस सेलेक्ट करके मेट पे क्लिक करूँगा, जो ऑटोमेटिक मेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो मेट हो गया, बट इसको सेंटर पे लाने के लिए बहुत तरीका है जो आप सेंटर पे ला सकते हैं। पहला, या तो आप प्लेन, एक प्लेन क्रिएट करें, वो प्लेन टू प्लेन सेलेक्ट करें, या दूसरा एक प्लेन सेलेक्ट करें मतलब क्रिएट करें, दूसरा फेस से आप मिडिल में ला सकते हैं, तीसरा आप एडवांस मेट से भी कर सकते हैं। तो एडवांस मेट में एक सिंपल ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जब ऐसा केस आपके सामने आए तो सबसे पहले क्या करें, लेफ्ट साइड और राइट साइड या फ्रंट या बैक साइड, तो वो चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। पहला, अगर लेफ्ट टू लेफ्ट राइट ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड में दोनों ऑब्जेक्ट का फेस पहले सेलेक्ट करें एंड राइट साइड का दोनों फेस सेलेक्ट करें और मेट पे क्लिक करें। ये है सिंपल ट्रिक जो आप एक ही ट्रिक में, मतलब एक ही क्लिक में जो मिडिल में आ जाएगा। दूसरा है कि आप मेट में जाएं, उसके बाद बिर्थ मेट लें, वहाँ पे चारों को सेलेक्ट करें, तो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब मैं फिर, ये तो मेरा सेंटर टू सेंटर आ गया, अब इधर से सेंटर टू सेंटर नहीं है, फिर लेफ्ट एंड राइट राइट मेट पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये विर्थ मेट है जो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। दोस्तों एक तरीका और है, ये तो हो गया। अब इसका, ये ऑब्जेक्ट को बॉटम साइड में लाने के लिए बहुत सारे तरीका है, मैं इसमें दो तीन तरीका आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं जैसे जैसे वीडियो बनाऊँ वैसे वैसे आपको कंप्लीट जानकारी देता रहूँ। तो दोस्तों पहला तरीका क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है बॉटम साइड वाले, इसके एग्जैक्ट मिड टू मिड मतलब सेंटर पे एक प्लेन क्रिएट करें और मिरर कर दें। दूसरा, इसको लीनियर कंपोनेंट पैटर्न बना दें। तीसरा, आप इसको कॉपी करके यहाँ पे लगा दें। तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे आप मेट कर सकते हो, उसको ड्रैग कर लें ये ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट को पैरेलल कर दें कोइंसिडेंट, एंड ये ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट को कोइंसिडेंट कर दें। ये रहा दोस्तों, ये परफेक्ट आपका सेंटर टू सेंटर है, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं है, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं है। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट मेरा एक कंप्लीट हुआ है, ये मेरा दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको असेंबल करना है, ये पार्ट को, थर्ड
जो थर्ड पार्ट है उसको। फिर इंसर्ट कंपोनेंट में जाकर ब्राउज पे ऑटोमेटिक ब्राउज ओपन हो जाएगा और जो पार्ट मेरा है पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड पे क्लिक करूँगा। दोस्तों जब ऐसे सिचुएशन आए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मूव कंपोनेंट पे जाके यहाँ से मूव कर ले एंड रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट कर ले। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों फेस सेलेक्ट, ये फेस सेलेक्ट करें और ये फेस सेलेक्ट करें, मैट कर दें और सॉरी ये फेस एंड ये फेस, ओके ये फेस एंड ये फेस, ये फेस दोनों के बीच का डायमेंशन यहां से आप दे सकते हैं 60, जो सेंटर पे आ जाएगी। नाउ फोर्थ ऑब्जेक्ट, फिफ्थ ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों आपको ये देखने से पता चल जा रहा है कि इसका रेडियस 15 है एंड इसका रेडियस 30 होगा, 20 है। तो इसको कम करने के लिए डबल क्लिक करें इस पर और रेडियस पे क्लिक करने के बाद 15 mm रेडियस कर सकते हैं और यहाँ से रिबिल्ड कर सकते हैं। और फेस टू फेस सेलेक्ट करने के बाद मैट कर दें एंड इसका डायमेंशन आपको अगर कम लग रहा है तो यहां से डबल क्लिक करने के बाद जो डायमेंशन शो हो रहा है उस पर 3350 पे, मतलब अपने अनुसार डायमेंशन देकर और रिबिल्ड कर दे, आपको ऑटोमेटिक लेगा। अब जो फाइनली लास्ट ऑब्जेक्ट इसमें असेंबल करना है उसके बारे में दोस्तों मैं बता रहा हूँ। इंसर्ट कंपोनेंट पे जाए और जो फोर्थ नंबर का ऑब्जेक्ट है उस पर क्लिक करें। तो दोस्तों ये रहा, इसको भी असेंबल कर दें, ये फेस। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा ही ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहले आप डायमेंशन देख सकते हैं कि इसका और इसके बीच में क्या डायमेंशन है। तो मेजर करने पे 40 mm आपको मिला, ये रहा। ये सिंपल ट्रिक है, एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में, कि ये फेस से ये फेस को सिलेक्ट करके कीबोर्ड के बटन से कैसे आप ला सकते हैं। एक तो आप जाके मेन्यू बार में वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं मेजरमेंट, बट ये कीबोर्ड से कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये 40 mm है, इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक करने के बाद ये 30 mm है, 42 mm, 42 mm करने के बाद रिबिल्ड कर दें और सेलेक्ट कर दें फेस टू फेस। तो दोस्तों ये रहा, कितना mm निकालना है बाहर, वन एम एम। तो दोस्तों 1 mm दोनों तरफ रहेगी ये। तो दोस्तों ये हैमर कंप्लीट बन गया है, आप इसको 3D में देख सकते हैं, ये रहा 3D। तो दोस्तों अब इसको आप कलर दे सकते हैं खुद का,
ये अपीयरेंस में जाने के बाद कलर चूज कर लें जो भी। दोस्तों ये ऑब्जेक्ट हो गया कंप्लीट। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर जो भी लेक्चर आपको जो भी डाउट लगे तो मेरे इस मैंने इस चैनल में मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वो लिंक से डायरेक्ट वो वीडियो पे जाके देख सकते हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए उसका सभी का लिंक इस डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।